बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहितराम डोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आज की खबर हमारी ये है कि 25 साल बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी और मुलायम सिंह यादव एक मंच पर आज एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। 19 अप्रैल आज है वो ऐतिहासिक दिन जो 25 साल बाद आया है सपा बसपा और रालोद जैसे कार्यकर्ताओं के लिए। रालोद के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बहुजन समाज के लिए ऐतिहासिक पल, ये ऐतिहासिक क्षण आज 25 साल बाद आएगा। आज मुलायम सिंह यादव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती और जनसभा करेगी, उनके लिए वोट मांगेगी, मैनपुरी के अंदर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेंगी। लेकिन आपको बता दें कि मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुखिया मुलायम सिंह यादव है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने कल भी आपको ये न्यूज दिखाई दी और आज 25 साल बाद ये ऐतिहासिक मौका देखने को मिलेगा। और लगातार आप इस चैनल पर अपडेट देखते रहेंगे, पूरा भाषण क्या कहेंगे अखिलेश यादव, क्या कहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती और क्या कहेंगे मुलायम सिंह यादव इस मंच से, कार्यकर्ताओं को, पार्टी के वर्कर्स को, देश की जनता को क्या संदेश देंगे। तो एक साथ ये जरूरी होगा देखना, दिलचस्प होगा कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती जी और मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को वो एक मंच से एक एकजुटता का संदेश देंगे। तो खास तौर से देखना दिलचस्प होगा, ऐतिहासिक भीड़ इस कार्यक्रम में आज होनी जारी मौजूद रहेगी और इस बीच काफी ज्यादा संख्या तादाद के अंदर लोगों की उपस्थिति भी दर्ज करवाई जा सकती है। और सबसे बड़ा दिलचस्प मुकाबला ये होगा कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती और मुलायम सिंह यादव 25 साल बाद अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे, क्या एकजुटता का संदेश दे पाएंगे 25 साल बाद। 25 साल पहले मानेवर साहब कांसीराम और मुलायम सिंह यादव ने गठजोड़ किया था और उसके बाद दलित पिछड़ों का गठजोड़ काफी रंग लाया था। उस समय राम मंदिर की वो लहर थी और उसके बावजूद भी सपा बसपा का गठबंधन रंग लेकर आया था। और इस समय जो बीजेपी के खिलाफ है वो सबसे बड़ा मजबूत विकल्प है, वो सपा बसपा रालोद का गठबंधन ही है। और इस मंच पर यहाँ पर मौजूद रहेंगे अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और आरजेडी के अजीत सिंह इस मंच पर मौजूद रहेंगे। तो ये बड़े तमाम चेहरे और सबसे बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि 7 अप्रैल को देवबंद के अंदर अखिलेश यादव और मायावती जी का गठबंधन की जो पहली रैली थी उसके बाद सबसे बड़ा दिलचस्प मुकाबला यही था कि मैनपुरी के अंदर सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती क्या एक साथ मंच साझा करेंगे। और ये पल आज ऐतिहासिक पल होगा, 19 अप्रैल को आज मैनपुरी में एक सभा को संबोधित करेंगे दोनों ही नेता। और आपको बता दें कि कल 20 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, अक्षय यादव जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान में सांसद भी हैं, उनके पक्ष में मतदान के लिए रैली आयोजित करेंगे। तो तमाम रैलियां शुरू से लेकर आज तक 2 अप्रैल से बसपा सुप्रीमो मायावती जी की रैली शुरू हुई थी और कल बिहार तक उनकी रैलियों का हर वीडियो, हर रैली का वीडियो और किसी भी चैनल के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं केवल यही एकमात्र चैनल है जहां पर आपको बसपा सुप्रीमो मायावती जी के हर रैली की वीडियो आपको मिलेंगे किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक आप उम्मीद करेंगे कि नीचे जो ज्वाइन बटन दिखा है उस पर आप क्लिक करके आप हमारे आधिकारिक मेंबर बन सकते हैं। इसी के साथ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और